भारत में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस डे का पावन त्योहार भारत की परंपरा रही है कि यहां सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के त्योहार को सम्मान दिया जाता है। इसी के तहत जयपुर के चांदपोल स्थित गिरजाघर में क्रिसमस डे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां दीपक बैटिस्टो ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि भारत में इस त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। नमस्कार आदाब, मैं हूं फार फारूकी और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज 24। और आज हमारी टीम मौजूद है चांदपोल में। जैसे कि आप जानते हैं आज 25 तारीख है, क्रिसमस डे है। यहाँ के लोगों से कि किस रूप में मनाया जाता है, आप सर आप बताइए। आप मैं जरूर बताऊंगा। ये क्रिसमस डे जो है आज ये ईसा अलैहिस्सलाम प्रभु के नाम पर जो मनाया जाता है, ये उनका जन्मदिन है। और आज जो यहाँ पर आप इस चर्च की पोजीशन को देख रहे हैं और काफी यहाँ पर मात्रा में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनको जाने नहीं दिया जा रहा है। इस बात की फादर के अंदर क्या सोच है ये तो मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन ये यहाँ पे जो खड़े हुए सब लोग हैं इनकी भावनाओं को काफी ठेस लग रही है, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और कुछ ओल्ड स्टेज के भी हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फादर को परमिशन देना चाहिए कि खासतौर से इस चर्च को आज खोल दिया जाए, चाहे भले एक आवर्स यानी कि एक घंटे के लिए भी अगर खोलते हैं तो जो यहाँ पर खड़े हैं उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे। और ये तो एक मंदिर है, ये किसी की प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं है, तो सबके लिए होना चाहिए। आदर साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 3:30 बजे चर्च क्लोज हो जाता है हमेशा की तरह, इस वजह से इसको ओपन नहीं करा जा रहा। तो ये पिछली बार इन्होंने जो 25 दिसंबर को खोला था तो फिर क्यों खोला था, उसका भी कोई रीजन होगा इनके पास? जब उस बार खोला था तो इस बार भी खोलना चाहिए या फिर हमेशा कभी नहीं खोलना चाहिए फिर 25 दिसंबर को? और यहाँ पे एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि कभी भी 25 दिसंबर को ये नहीं खोला जाएगा। चलिए सर, इस बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आप बताइए कि इसको किस रूप में मनाया जाता है? ये मैंने आपको ये उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ट्री का क्या महत्व रहता है इसमें? ये एक अपने आप में ये एक लव ट्री कहलाता है, जिसमें जो है एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत से बात करने से आदमी की भावनाएं एक दूसरे से टच में रहे, ये इस तरीके से इसको लव ट्री कहा जाता है। ये क्रिसमस ट्री भी कहलाता है, इसलिए जो सेंटा टोपिया बांटता है उसके बारे में, ताकि ये बच्चों को ये मालूम रहे कि हाँ हमसे भी कोई प्यार करने वाला है। हमारे अपने धर्म के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम बच्चों से भी प्यार करते हैं। देख सकते हैं काफी तादाद में जो है बच्चे भी आज यहाँ पर आए हैं सेंटा से टॉफियां लेने के लिए। क्या उम्मीद रखते हो बच्चों, टॉफी देने आएगा सेंटा आपको? क्या कहेंगे आप, आएगा सेंटा? कब आएंगे? बच्चों को ये बात भी है कि सांता क्लॉज आएंगे, ये इनका अपना बिलीव है, इनका अपना इनकी भावनाएं जो इनके ऊपर टिकी हुई है और जो इनको ये देखना चाहिए चर्च को। ठीक है, और लोगों से मालूम करेंगे सर किस रूप में देखते हैं आज सर? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ था और आज से दिन जी उठा था, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। इसमें जो रेड और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो किस रूप में देखा जाता है? जैसे सेंटा आता है रेड और व्हाइट कलर में कपड़े पहनकर और बच्चों को टॉफियां बांटी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर सांता का यीशु मसीह जन्म से कोई लेना देना नहीं है, वो एक बनाया हुआ है वैसे ही, ये खुशी के मौके के लिए है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, आप आगे आगे और चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, बोलेंगे सर सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर आज आज के मौके पर? बहुत ही खुशी का मौका है आज, बस हम लोग ये देखने आए थे एटलीस्ट प्रेमिसिस में एंट्री देनी चाहिए थी आज। हम लोग सेंट एस्लम्स वाले में गए थे अभी, वहाँ पे एटलीस्ट वी आर अलाउड टू एंटर इन द प्रेमिसिस, लेकिन यहाँ पे बंद है। तो आई थिंक आप लोग को बोलना चाहिए कि इतने सारे लोग आए हैं देखने, एटलीस्ट लोगों को एंट्री मिले वहाँ पे। देख सकते हैं लोगों की एक ही डिमांड है कि अंदर एंट्री मिले चर्च में जाने के लिए, ताकि वो अपना इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट कर पाए 25 दिसंबर को। हम आगे की कवरेज दिखाएंगे आपको। सर आज 25 दिसंबर और क्रिसमस डे है तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले मैं तमाम न्यूज़ चैनल्स को, जयपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 दिसंबर मसीहों के लिए एक विशेष दिन रहता है, क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उसी की खुशी हम सारी जगह पर मनाते हैं। तमाम गिरजाघर आराधना से भरे पड़े हैं, सुबह आराधनाएं होती है, शाम को आराधनाएं होती है। हमारे चर्च की आराधना सुबह हुई है सेंट एंड्रयू चर्च जयपुर का, ये आप गिरजाघर देख रहे हैं।
उसमें हम खड़े हुए हैं। मेरा नाम रेवरेंड दीपक बैरिस्टो है और मैं इस चर्च का इंचार्ज हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है कि वे मानव जाति की सेवा के लिए उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें प्रेम करना है, क्षमा करनी है और आपसी मेल मिलाप में अपने जीवन को व्यतीत करना है। उनका एक ही मकसद था कि हम सब भाई लोग आपस में मिले रहें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने गरीब, मोहताज और लाचारों की सेवा करी, वही शिक्षा हमें देते हैं कि हम भी गरीब, मोहताज और लाचारों की सेवा करें। जिसको जैसी आवश्यकता है, यदि हम में सामर्थ्य है, तो हम उनकी सेवा करने वाले हो सके। आज ही के दिन आमतौर से देखा जाता है कि क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्रिसमस ट्री एक हम सजाते हैं, पर इसमें अगर हम वचन के अनुसार देखें, इसका कोई महत्व नहीं है। पर ये बच्चों के खुशियों के लिए हम इस ट्री को लाइटिंग से और विभिन्न गिफ्ट से हम सजाते हैं, ताकि वह इस खुशी को हर्ष और लाश से बनाने वाले हो सके। सांता क्लॉज आते हैं और टोपियां बांटते हैं। जी, ये सांता क्लॉज का यहाँ पर आते हैं, जब छोटे छोटे बच्चों के लिए सांता क्लॉज आते हैं खुशियों को बांटने के लिए, गिफ्ट देते हैं और टॉफीज देते हैं। और ये जो खुशियां हैं टॉफीज की और जो मिठास है, वो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मिठास हमारे जीवन में बनी रहे, कि जितना हम मीठा बने रहेंगे उतना ही हम लोग जुड़े रहेंगे। जयपुर का ये सबसे पुराना चर्च है और इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर चर्च के बाहर भी काफी लोगों की भीड़ है, तो इसमें आप जयपुर वासियों को क्या वो देना चाहेंगे? जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है और जयपुर वासियों को यही मैं कहना चाहूँगा, पहले तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जयपुर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि जस तरह प्रभु यीशु मसीह जो हमें शिक्षा दे के गए हैं आपसी प्रेम और मोहब्बत की, उसी में हम आगे बढ़ें और सहयोग करते हुए चले जाएं, क्योंकि इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर जब तक हैं हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें। सांता क्लॉज व्हाइट और रेड कलर की ड्रेस में ही हमेशा देखने को मिलते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है कि व्हाइट और ड्रेस को कॉम्बिनेशन को रखा है? ऐसा कुछ नहीं है कि अट्रैक्टिव कलर है, इस वजह से इस कलर को लिया है सांता क्लॉज ने। वैसे इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, पर एक अट्रैक्टिव कलर जो हमारा रेड कलर जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, तो इस वजह से उसकी ड्रेस रेड है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि चर्च की जो स्थापना है और कब हुई और कैसे हुई? जहाँ पर हम खड़े हैं ये जयपुर शहर का बहुत पुराना चर्च है, 1917 में ये बनाया गया है और आज इसको 106 साल पूरे हो गए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यहाँ के महाराजा ने इस चर्च को डोनेट किया था जब मिशनरीज लोग आए थे, कि यहाँ पर आराधना हो, प्रार्थना हो और समस्त लोग मिलकर यहाँ पर प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करने वाले हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जगह है और यहाँ पर खूब सारे माइक्स लगे हैं, तो यहाँ पर जो आराधक होते हैं वो यहाँ पर बैठकर आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं। ये हमारी एक क्वायर की जगह है, जैसे क्वायर कहते हैं जो गाना गाती हैं, उनकी जगह हमने यहाँ पर बना रखी है, ताकि वह जब भी मैं अनाउंसमेंट करूँ या मेरा सहयोगी कि इस गीत को गाएं, तो वहाँ पर ये खड़े होकर उस गीत को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव की गीतों को वो यहाँ पर गाते हैं। यदि हम और आगे चलें तो आपको एक पोडियम दिख रहा होगा, ये छोटा पोडियम है, ये अनाउंसमेंट के लिए है। जो कुछ भी अनाउंसमेंट होता है हमारी कलीसिया संबंधित के आने वाले समय में ये प्रोग्राम्स हैं, वो सारे अनाउंसमेंट इस पोडियम से होते हैं। और यदि उसके आगे हम चलें तो यहाँ पर आप ये चेयर्स देख रहे हैं, ये जो बीच वाली चेयर्स है ये हमारे सबसे बड़े अधिकारी के लिए है, जिसे हम बिशप कहते हैं, या उससे भी बड़े अधिकारी जब हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में आते हैं, मॉडरेटर साहब, ये बीच वाली चेयर उनके लिए नियुक्त की गई है। और जो साइड में है वे हम पासवानों के लिए, हम पादरियों के लिए रखी गई है। उधर भी जो चेयर है वो भी पादरियों के लिए रखी गई है। यदि हम और आगे चलें तो ये सबसे बड़ा पोडियम है, यहाँ से प्रवचन होता है। ये इसलिए रखाया गया है कि जो भी प्रवचन देगा वो यहाँ से प्रवचन देगा,
वहां से अनाउंसमेंट होते हैं, यहां से प्रवचन जो मैं देता हूं या मेरे बड़े अधिकारी आते हैं वो यहां से प्रवचन देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं टेबल जो सजी हुई है, ये बहुत पुरानी टेबल है, इसमें कपड़ा लगाया हुआ है, ये भी बहुत पुरानी टेबल है। और इस टेबल पर जब हमारे प्रभु भोज होता है, हमारे विशेष प्रभु भोज की आराधना होती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। यदि आप और आगे चलेंगे, ये पूरा ऑल्टर है, इसमें किसी को अंदर जाने की मनाही है कि कोई भी अंदर नहीं जाता, यहाँ पर सिर्फ पासवान लोग और जो केयर टेकर है, जो साफ सफाई करता है, सिर्फ उसको अलाउ रहता है। यदि हम और आगे चलाए तो यहाँ पर ये बैप्टिज्म फॉन्ट है, यहाँ पर बच्चे का बपतिस्मा दिया जाता है और इस पर पानी का छिड़काव कर बच्चे का नाम रखा जाता है। तो इसके अंदर, इस फॉन्ट के अंदर पानी भरा जाता है जब वो पहली बार आता है, जिसका नामकरण होता है और जो प्रभु को अपने जीवन देता है बच्चा, उसको हम यहाँ से आशीषित करते हैं, यहाँ से हम प्रार्थना करते हैं। ये और दूसरी जो बेंचेस देख रहे हैं आप सामने की और साइड की, ये तमाम पब्लिक के लिए रखी गई है कि यहाँ पर वो बैठ कर प्रवचन सुनते हैं। जितने भी ये बेंचेस हैं यहाँ पर लोग सुनते हैं। आगे की जो चेयर्स है ये हमने बड़े बुजुर्गों के लिए लगा रखी है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए लगा रखी है। ये आज का फोल्डर है, जब हम क्रिसमस सुबह आराधना हुई तो उसका ये फोल्डर बनाया जाता है, जिसपे हम मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर को हम बताते हैं। और इसमें आराधना, कैसे आराधना आज की संचालन हुई है वो बताते हैं। कॉल टू वर्शिप है, प्रेयर है, हिम है, गीत है, हम रेस्पॉन्स रीडिंग करते हैं, प्रेयर फॉर ग्रीविंग फैमिली मेंबर्स जो इस साल प्रभु में जिनकी मृत्यु हो गई है, जो सो गए हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उन परिवारों के लिए, क्योंकि वे दुखित हैं, वे है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और विभिन्न प्रार्थनाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रार्थनाएं करी जाती है। इंटरसेशन प्रेयर में हम विशेष अपने देश को याद करते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, हमारे CM को, कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी देश और राज्य का संचालन करते हैं, उनके लिए इसमें हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं।